फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, आई एम आल्सो फाइन। देखिए, अभी 10 फरवरी को क्या है, आप लोगों को पता है? 10 फरवरी को है वर्ल्ड पल्सीज डे। तो अभी आप सबको याद रखना है कि 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सीज डे है। तो अभी ये पल्सीज मतलब क्या है, आप लोगों को पता है? पल्सीज यानी कि कठोर, जो आप लोग खाते हो ना। अभी देखिए, आप लोग सब्जियां तो खाते ही हो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, तो उसके साथ साथ आप पल्सीज भी तो खाते हो, कठोर खाते हो, मग, फिर आप दाल राइस खाते हो तो वो दाल, फिर कोई मग की सब्जी खाता होगा, कोई चने की दाल की सब्जी खाता होगा, फिर आपको चना भी तो पसंद है, चने की सब्जी पसंद है ना, फिर छोले चना, छोले किसको पसंद है, सबको पसंद है, तो फिर छोले, राजमा राइस खाते हो आप सब, तो फिर राजमा, छोले, फिर आप जो दाल राइस खाते हो, उन सबको क्या बोलते हैं? पल्सीस बोलते हैं। पल्सीस यानी कि कठोर। तो आज मैं आपको पल्सीस का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, ओके? हर रोज तो आप खाते ही होंगे, लेकिन फिर उसका नेम भी आपको याद रखना है, ओके? चलिए मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सीस दिखाती हूँ। देखिए, सी विच पल्सीस, क्या है ये? चना। इसको क्या बोलते हैं? बंगाल ग्राम होल, ओके? यानी कि चना, चने की सब्जी आप सबको पसंद है ना, तो इसको सुक्का चना, ओके? देखिए, फिर ये क्या है? आप सब रगड़ा खाते हो, तो फिर रगड़ा किससे बनता है? अभी तो ग्रीन पीस भी आते हैं ना, लेकिन जब ग्रीन पीस नहीं होते हैं तो फिर ये क्या मम्मी रगड़े में यूज़ करती है? ड्राइड ग्रीन पीस, इतने के सूखा वटाड़ा। फिर देखिए ये क्या है? राजमा राइस पसंद है ना आप सबको, तो ये है रेड किडनी यानी कि राजमा। फिर देखिए ये क्या है? आप तो तुवेर की दाल खाते हो, लेकिन तुवेर की दाल किस में से बनती है? तो ये है ड्राई पिजन पी यानी कि सूखी तुवेर। इसकी भी सब्जी आप लोग खाते हो तुवेर की, अभी तो ग्रीन तुवेर भी मिलती है, तो मम्मी उसकी भी सब्जी बनाती है ना, वो भी आप सबको बहुत, वो दाना खाते हो ना आप, तो वो भी आप सबको पसंद है ना। फिर देखिए ये क्या है? सी इसको बोलते हैं मसूर। क्या है ये? मसूर, ओके? इसको बोलते हैं ब्राउन लेंटिल, ओके? फिर ये क्या है? मग। पानीपुरी में खाते हो आप लोग मग, फिर मग की सब्जी भी खाते हो, तो ये कौन से कलर के है? ग्रीन मग, तो इसको बोलते हैं मग बीन्स। फिर देखिए छोले किसको पसंद है? छोले पूरी, छोले भटूरे सबको पसंद है, तो ये है छोले, छोले चना, तो इसको क्या बोलते हैं? वाइट चिक पीस, ओके फ्रेंड्स? अभी देखिए ये किसकी दाल है? इसको बोलते हैं ब्लैक ग्राम, बोलिए क्या है? ब्लैक ग्राम स्क्रीन पीस यानी कि अड़द की दाल। फिर देखिए आप जो हर रोज दाल राइस खाते हो ना, वो दाल किसमें से मम्मी बनाती है? ये है तूर दाल, तुवेर नी दाल। फिर ये क्या है? इसको बोलते हैं बंगाल ग्राम स्पीस यानी कि चना नी दाल। आप लोग हांडवा ढोकला खाते हो ना, तो मम्मी इसमें से बनाती है, ये दाल यूज़ करती है उसमें। फिर देखिए ये क्या है? ग्रीन ग्राम दाल यानी कि मग की दाल, येल्लो मग की दाल, ओके? फिर ये क्या है? मसूर दाल, तो इसको बोलते हैं मसूर दाल। और ये है ग्रीन पीस स्प्लिट्स यानी कि लिली मगनी दाल। आप लोग खिचड़ी खाते हो ना, तो खिचड़ी मम्मी ये इसमें से बनाती है, लिली मगनी दाल में से मम्मी खिचड़ी बनाती है, ओके फ्रेंड्स? और अभी तो आप सबको दाल फ्राई भी बहुत पसंद है, दाल फ्राई और राइस खाते हो ना, तो दाल फ्राई किसमें से बनती है? मैंने जो अभी आप सबको दाल बताई ना, वो सब मम्मी मिक्स करती है सब दाल को, और फिर उसमें से क्या बनता है? दाल फ्राई, जो आप सबको बहुत पसंद है, दाल फ्राई और जीरा राइस खाते हो ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कितने सारे पल्सीस के इंट्रोडक्शन करवाए, तो आप लोगों को मजा आया ना, और आप सबको ये नेम भी लर्न करने हैं, ओके? तो अभी आपके घर में भी तो ऐसी दाल होगी, तो मम्मी को आपको क्या बोलना है? वो सब दाल आपको थोड़ी सी, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपको मैंने पल्सीस बताए उसमें से
जो भी है वो पल्सिस का इंट्रोडक्शन अभी आपको मम्मी पापा को देना है, क्योंकि पल्सिस खाने से हम कैसे हो जाते हैं, पहले तो हमें पल्सिस में से क्या मिलता है, तो पल्सिस में से हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है और फाइबर मिलता है। ओके, तो पल्सिस तो हमें खानी है, क्योंकि पल्सिस खाने से हम स्ट्रांग बन जाते हैं, हेल्दी बन जाते हैं और कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हम जब बीमार पड़ते हैं तो उसमें से वो बीमारी को भगाने की ताकत हमें कौन देता है, पल्सिस देता है। तो फिर पल्सिस खाने में हमें कभी भी मना नहीं करना है, दाल राइस हो चाहे चने की सब्जी, चने की दाल बनाते हैं मम्मी, अगर खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें पल्सिस यूज होते हैं, तो फिर हमें पल्सिस खाने में कभी मना नहीं करना है। तो अभी से आप मना नहीं करोगे ना, खाओगे ना सब पल्सिस, क्योंकि पल्सिस खाने से हम स्ट्रांग और हेल्दी बन जाते हैं। तो जो भी आपका आपके घर में पल्सिस अवेलेबल हो तो उसमें से आपको मम्मी पापा को या फिर दादा दादी को, नाना नानी को ऐसे इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी याद रखना 10 फरवरी को क्या है, वर्ल्ड पल्सिस डे। बाय बाय।